जिस व्यक्ति को सीएम ने नाली से चंदन बनाकर माथे पर लगाया, वही व्यक्ति आज सीएम के सर चढ़कर बोल रहा है। ये बयान कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व महासचिव सुरेश चौधरी द्वारा दिया गया है। इस बयान को देने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हार पर गहलोत पर निशाना साधते हुए एक बयान दिया था। बयान था कि लोकतंत्र में जनता ही माई बाप है और जनादेश शिरोधार्य है। मैं नतीजों से आहत जरूर हूँ, लेकिन अचंभित नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत जी कभी चाहते ही नहीं थे कि कोई बदलाव हो। ये हार कांग्रेस की नहीं है, ये हार हमारे अशोक गहलोत जी की है। ना ही उनका जादू चला और ना ही उनका अनुभव। हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी योजनाओं के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को अपनी योजनाओं के सहारे जीत नहीं मिल सकी। ये बयान अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद दिया, जिसके बाद इस बयान पर कांग्रेस सेवा दल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व महासचिव सुरेश चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, जिस व्यक्ति को सीएम ने नाली से चंदन बनाकर माथे पर लगाया, वही व्यक्ति आज गहलोत के खिलाफ सर चढ़कर बोल रहा है। उन्होंने कहा, अशोक गहलोत के चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो सही फीडबैक उन तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। आगे सुरेश चौधरी ने कहा कि राजस्थान कोई चारगाह नहीं है जो यूपी हरियाणा से कोई भी आकर बंजर भूमि को सींच देगा। 5 साल से चल रहे पायलट और गहलोत के झगड़े को पार्टी आज तक नहीं समझ पाई, लेकिन जनता इस झगड़े को समझ चुकी है। जनता का कहना है कि जब पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का झगड़ा ही नहीं सुलझा पा रही है, तो जनता की समस्याओं का समाधान कैसे करेगी। आखिरी में सुरेश चौधरी ने कहा, अगर गहलोत नहीं होते तो कांग्रेस में उनका नाम लेने वाला नहीं था। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पार्टी को तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए। नमस्कार।